डियर स्टूडेंट्स आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा हम लोगों ने स्टार्ट किया था एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एड्रीनर्जिक ड्रग्स में हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, राइट और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा प्रेजोसैन प्रेजोसैन के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्रेजोसेंट जो है वो वो अल्फा वन सेलेक्टिव ड्रग है ठीक है यानी कि अल्फ़ा वन रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देती है जबकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोप्रेनोलोल है और प्रोप्रेनोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है और ये जो है ये नॉन सेलेक्टिव है यानी कि ये बीटा वन को भी ब्लॉक कर सकती है और ये बीटा टू को भी ब्लॉक कर सकती है राइट इससे पहले आपको बताते चलूँगे जितने भी आप लोगों के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उन सब के नाम जो हैं वो ख़त्म होते हैं ओ एल ओ एल पे यानी कि ओ लोल पे लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं लाइक लेबिटा लोल और कार्विडाइलोल कार्विडाइलोल हो या फिर लेबिटा लोल हो ये ओ एल ओ एल पे ख़त्म नहीं होता लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग बाकी नामों को देखो लाइक प्रोप्रेनोलोल है मीटोप्रोलोल है इन सब के अगर आप लोग नाम देखते हो तो इनका नाम ख़त्म होता है ओ एल ओ एल पे राइट अच्छा स्टार्ट करते हैं प्रोप्रेनोलोल के बारे में आप लोग जानते हो कि प्रोप्रेनोलोल जो है वो कॉम्पिटिटिव बीटा एंटेगोनिस्ट है हमें ये पता है कि हाँ जी ये एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट एंटेगोनिस्ट है ठीक है एड्रीनर्जिक एंटेगोनिस्ट के साथ हम लोग कहते हैं कि ये नॉन सेलेक्टिव है नॉन सेलेक्टिव हम लोग इसको क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि ये बीटा वन को भी करती है ब्लॉक और बीटा टू को भी यानी कि मखसूस नहीं है ये ये दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकती है बीटा वन को भी बीटा टू को भी इस तरह से हम लोग इसको नॉन सेलेक्टिव का नाम देते हैं सेकेंड थिंग हम लोगों ने कहा कि कॉम्पिटिटिव है कॉम्पिटिटिव का मतलब यानी कि ये कॉम्पिटिशन लगाती है अपनी जगह पर बाइंड होने के लिए ठीक है ये कैटिकोला मीन्स की जगह पर मतलब कि ये जाकर उस जगह को अब खुद बाइंड करने के लिए मीन कॉम्पिटिटिवली एक्ट करती है और खुद जाके बाइंड हो जाती है और उस चीज़ को ब्लॉक कर देती है राइट फिर आप लोग कहते हो प्रोप्रेनोलोल जो है वो मार्केट में आपको सस्टेन रिलीज प्रपरेशन के तौर पर आपको अवेलेबल है सस्टेन रिलीज प्रपरेशन यानी कि ऐसी तैयारशुदा हालत जो कि असर अपना आहिस्ता आहस्ता करके दिखाए ठीक है लाइक अगर, 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 अगर आप लोग वंस अ डे डोजिंग में आपको अवेलेबल होगी यानी कि अगर आप लोग दिन में एक खुराक ले लेते हो तो वो आपको पूरा दिन मीन पूरा एक दफ़ा ले लोगे तो वो पूरा दिन की खुराक उसके अंदर मीन मौजूद होगी ठीक है आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि वो अपना आई, अपना असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज करती है ठीक है सस्टेन रिलीज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आप लोग कहते हो तो इसको आप लोग ओरली ले सकते हो टेकन ओरली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं जस्ट भी हो जाती है लेकिन जैसा कि ये फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरती है जिसकी वजह से ये क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पच्चीस परसेंट जो होगी वो आपके सर्कुलेशन तक पहुँचेगी ठीक है क्योंकि ये फर्स्ट पास इफेक्ट से होकर गुजरती है फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है ये हम लोग पिछले पहले ही लेक्चर से पढ़ चुके हैं फिर आप लोग कहते हो तो, इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ये एब्जॉर्ब होने के बाद जज्ब होने के बाद अच्छे से फैल जाती है फिर क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेती है ब्लड ब्रेन बैरियर के, के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये आपके दिमाग में ठीक है दिमाग और आपके ब्लड इन दोनों के दरमियान में एक आड़ है एक एक बैरियर है ठीक है जो कि क्या करता है जो कि लिपोफिलिक होता है यानी कि आपकी वो वाली ड्रग्स जो के लिपोफिलिक कि लिपोफिलिक होंगी यानी कि लिपिड लवर होंगी वो तो इस बैरियर को क्रॉस करके यानी कि ब्लड में से वो ब्रेन के अंदर चली जाती हैं ठीक है थीके? वो ब्रेन के अंदर चली जाएंगी लेकिन वो वाली ड्रग्स जो कि लिपोफिलिक नहीं होती वो आसानी के साथ नहीं जाती इसको क्रॉस नहीं करती राइट आप लोग कहते हो कि ये जो आपके प्रोप्रेनोलोल है ये बासानी बीटा ब्लॉ मीन बी ब्लड ब्रेन बैरियर को आप आसानी क्रॉस कर लेती है नेक्स्ट थिंग आप लोग बात करें तो मेटाब्लाइज ईजिली बसानी मेटाबोलाइज हो जाती है अपनी हालत को तब्दील कर लेती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है खारिज हो जाती है ये किससे यूरिन से फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो हम लोग ये जानते हैं आधी बात हम लोग ऑलरेडी हमें पता है कि ये नॉन सेलेक्टिव है ठीक है बीटा ब्लॉकर है और ये ब्लॉक कर देती है आपके बीटा वन रिसेप्टर को भी और बीटा टू रिसेप्टर को भी फिर इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वजह बनती है रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स कर देती है जैसे अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई थी ठीक है सुकड़ी हुई थी तो ये क्या करेगा ये रिलैक्स कर देगा ताकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ था यानी कि मीन हाई ब्लड प्रेशर था हाईपर टेंशन हुआ हुआ था तो ये क्या करेगा ये उन वेसल्स को नॉर्मल कर देता है डायलेट कर देता है रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो डाउन होने लग जाता है यानी कि अब हाइपरटेंशन अगर करना चाहते हो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेकर आते हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो एंड यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन के इलाज के लिए हम लोग इसको ये मुफीद है इसके साथ-साथ एंजाइना के लिए भी और कार्ड और इसके लिए सीएचएफ के लिए भी यानी कि यानी कि पंज, कंजस्टिव पंज, हार्ट फेलियर के लिए भी और ग्लूकोमा के लिए भी ठीक है अब इनके इनके लिए क्यों मुफीद होती है इसको हम लोग बारी बारी करके आगे पढ़ेंगे आप लोग कहते हो तो थैरापोटिक एक्शन इसके क्या होते हैं अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो ये क्या करता है ये आपके हार्ट की कारकरदगी को आउटपुट को वर्क को वर्क लोड को कम कर देता है ठीक है और इसके साथ साथ अब काम कम हो रहा है आपके हार्ट के या फिर आप कहते हो जो आपके मायोकार्डियल्स होते हैं यानी या कि जो आपके जो हार्ट मसल्स जो हैं वो अब कम काम करेंगे तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है कम ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी यानी कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं अब वो कम से कम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे कंज़म्पशन इस्तेमाल करेंगे यूटिलाइज करेंगे ठीक है यानी कि कार्डियक आउटपुट को ये कम कर देता है कॉन्ट्रेक्टिटी को कम कर देगा उसके काम को कम कर देता है यानी कि फिर ज्यादा काम करने की वजह से जो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी अब उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यानी कि जो एंजाइना है लाइक एंजाइना में हम लोग कहते हैं कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो आप लोग कहते हो वो जो चीज़ है वो वो आप उसको आप रिकवर करने लग जाते हो फिर रेस्पायरेटरी ट्रैक की बात करते हो तो रेस्पायरेटरी ट्रैक में ये वजह बनती है आप कॉन्स्ट्रिक्शन की यानी कि आप ये ऑपोजिट काम करिए हम लोगों को आइडिया है कि जो ब्लड वेसल में जो काम हो रहा होता है आपकी जो ब्रोंक्योल्स हैं उसके अंदर वो ऑपोजिट काम करता है रेस्परेटरी ट्रैक में ये वजह बनता है आपकी सांस की नालियों का तंग हो जाने की ठीक है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की जबकि अगर हम लोग आइस की बात करें तो आइस में मौजूद इंट्रोकुलर प्रेशर को ये रिड्यूस कर देता है कम कर देता है रिड्यूसेस या डिक्रीजेस इंट्रोकुलर प्रेशर और जो कि हमारा ग्लोकोमा के अंदर प्रे, इंट्रोकुलर प्रेशर यानी कि आंख के अंदर का जो फ्लोइड है उसका प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो हमारा बढ़ जाता है ग्लोकामा में तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोप्रेनोलोल को ताकि ग्लोकामा का भी इलाज हो सके राइट right? फिर आप लोग कहते हो तो सोडियम का इसका इसका क्या इफेक्ट होता है आप कहते हो तो जैसा कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है इसी तरह से आपके रीनल परफ्यूजन भी जो है वो कम हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी यानी कि आपका लाइक like, फिल्टर होना आपके ऑर्गन्स का जो फ़िल्टर होना फिल्ट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से बढ़ जाती है क्या आपके सोडियम की रिटेंशन आपको सोडियम रिटें यानी कि सोडियम बाहर ही रह जाता है जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है राइट देन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करते हो तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर ये डिक्रीज कर देता है कम कर देता है ग्लूकोज की सिक्रीशन को ठीक है बॉडी से बाहर नहीं जाने देता देयरफॉर इफ़ टाइप वन डायबिटिक पेशेंट्स यानी कि अगर तो टाइप वन डायबिटिक पेशेंट इसको लेंगे तो हम लोग कहते हैं कि प्रोप्रेनोलोल को बहुत ही एहतियात के साथ देना पड़ता है क्यों क्योंकि ये ग्लूकोज को बॉडी से सिक्रीशन सिक्रीट आउट नहीं होने देता बॉडी से बाहर नहीं जाने देता बॉडी के अंदर ही इसकी जो कॉन्सनट्रेशन है उसको बढ़ा देता है राइट right? इसके बाद आप लोग बात करते हो थेरापेटिक यूजेस की यानी कि अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहो तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो तो हमें मालूम है कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है तो हम लोग इसको हाइपर टेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ ये कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है ठीक है इनके दिल की कारकर्दगी जो है उसका काम जो है वर्क जो है वर्कलोड उसको कम कर देता है फिर हम लोग कहते हैं ग्लोकोमो में भी इस्तेमाल करते हैं क्यों क्योंकि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देता है ठीक है इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है जो कि हमारा एक मेन सिम्टम होता है किसके अंदर आपके ग्लोकोमा के अंदर आपका एक मीन साइन यही होता है ग्लोकोमा में कि आपका इंट्रोक्युलर प्रेशर हाई हुआ हुआ होता है तो ये उसको भी कम कर देगा और आप लोग इसको इस्तेमाल कैसे करोगे अप्लाइड टॉपिकली यानी कि आंख के अंदर डालते हो ठीक है फिर आप लोग माइग्रेन में भी इस्तेमाल करते हो ये रिड्यूस कम कर देता है माइग्रेन एपिसोड्स को ठीक है यानी कि माइग्रेन के जो दौरे पड़ते हैं या फिर आप कहते हो कि इसवर जैसे जो दर्द हो रहा होता है उसको भी ये कम कर देता है वैन यूज प्रोफाइल एक्ट अगर हम लोग हिफ्स मात कदम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये माइग्रेन के एपिसोड्स को भी कम कर देता है या फिर आप लोग कहते हो कि अब अगर आप लोग अपनी बीमारी की शिद्दत को कम करना चाहते हो तब भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट थिंग एंजाइना एंजाइना के अंदर हम लोगों को मालूम है कि ये क्या कर देते हैं जब वर्क लोड आपका कार्डियक आउटपुट कम हो गया है आपका कार्डियक वर्क कम हो गया है हार्ट की जो मीन एक्स मीन वर्कआउट है वो कम हो गया है तो क्या होगा उसे कम से कम ऑक्सीजन चाहिए होगी अब कि डिक्रीजेज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स आपके हार्ट मसल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को जो उसकी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको कम कर देगा तो देआर फॉर रिड्यूसिंग पेन तो जिसकी वजह से ये पेन को भी कम कर देगा राइट यानी कि एंजाइना पेन को कम कर देता है अगर हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हम लोगों को पता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है जो कि इसका एक गैर ज़रूरी असरात है ठीक है ठीके? फिर डिस्टर्बेंस एंड मेटाबॉलिज्म भी करता है यानी कि लाइक हमारे ग्लूकोज की सिक्रीशन के अंदर ये मीन अमल दखल कर रहा था उसको ये बॉडी से बाहर नहीं जाने देता या फिर या मीन रिड्यूस कर देता है अ, मीन इन, सॉरी इंक्रीज कर देता है सोडियम रिटेंशन को और इसके साथ साथ ये सेक्शुअल एम्पियरमेंट करता है राइट right? इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी ऐसी ड्रग्स की जो कि अफेक्ट करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन रिलीज़ और अपटेक को ठीक है उसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ड्रग है जिसके आप लोग कहते हो रेजरपिन सिर्फ और सिर्फ रेजर पिन आती है आप लोगों के पास और रेजर के बारे में आप लोग कहते हो कि राइट अगर आप लोग रेजर पेन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो रेजर पेन जो है उसकी अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये इसको आप लोग ओरली ले सकते हो और ये जीआईटी से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनके सिंपल फार्माकोकाइनेटिक है इसकी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब फ्रॉम द जी आई टी और मेटाबोलाइज इन द इंटेस्टीन ये इंटेस्टीन के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाती है इंटेस्टीन के अंदर भी ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा है यानी कि आंत की जो दीवारें होंगी उधर ये मेटाबोलाइज हो जाती है और फिर बाद में जो भी मेन ड्रग होगी एक्सक्रीटेड थ्रो यूरिन इसके अंदर जो होती है सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट अनचेंज एक्सक्रीट आउट होती है बाकी सारे के सारी जो होगी वो मीन चेंज हो जाती है ठीक है बाकी बाकी सारे सारे मेटाबोलाइज हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट अनचेंज ड्रग जो होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रो यूरिन अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरो रिलीज और अपटेक ठीक है यानी कि जो न्यूरो का रिलीज़ होना या अपटेक होना उसके अंदर ये असरअंदाज होती है आपकी ड्रग्स और उसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल पढ़े हो रेजर की इस डायग्राम को देखकर आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ याद आएगा आप लोग कहते हो कि इसके इसको हम लोग मेन पिछले काफ़ी लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि आप लोगों के यहाँ से राइट यहाँ से आपका मेन ये टायरोसिन जो है वो अंदर आता है डुपो में चेंज हुआ डुपो में चेंज हुआ और डुपो से वो यहाँ पर अंदर आके यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो गया आप कहते हो कैटिकोला में कन्वर्ट हो गया ठीक है या फिर आप लोग कहते हो मोनो में कैटिकोला में आप कहते हो कैटिकोला के अंदर कैटिकोला के बारे में आप लोगों को पता है कैटिकोला के अंदर आप लोग कहते हो नॉर्पिन को ठीक है या आपी को सिरोटन को डोपामिन को इन चारों को आप लोग कलेक्टिवली कैटिकोलमीन्स कहते हो ठीक है आप लोग कहते हो तो कि ये जो डुपोमीन है ये जब बन जाएगा तो ये अंदर आके सेफ हो जाता है और इस वेजिकल को आप लोग नाम देते हो स्टोरेज वेजिकल का या साइनेप्टिक वेजिकल का ठीक है इस साइनाप्टिक वेजिकल का जिसके अंदर आपका न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो महफूज है ठीक है आप लोग कहते हो तो कि अगर तो आप लोग एक ऐसी ड्रग लेकर आओ जो आपकी इस बनी हुई ड्रग को अंदर महफूज ना होने दे और इसको यहीं पर ही पड़े रहने दे ठीक है और जब ये ये न्यूरो बाहर ही रहेगा तो आपको मालूम है कि आपके इस प्री साइनाप्टिक जो न्यूरॉन है इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम ये एंजाइम बाहर मौजूद जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है यानी कि डिग्रेड कर देगा तोड़ देगा ठीक है तो ये क्या करेगा हम जो ड्रग देंगे आप ये आपकी ड्रग जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर महफूज नहीं होने देती ठीक है और बाहर रिलीज होने से पहले पहले ही माओ एंजाइम जो है मोनोमिन ऑक्सीडेज एनजाइम ये आपके न्यूरो को ये जो बाहर मौजूद होंगे न्यूरो ये इन न्यूरो की ब्रेक डाउन कर देता है ठीक है इनको कट कर देता है या फिर इनको तोड़ देता है ठीक है अब ये क्या होगा कि मोन ये आपके न्यूरो अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डिग्रेडेशन हो जाएगी बाहर आएंगे नहीं वो वो रिसेप्टर पे लगेंगे नहीं तो सिंपथेटिक एक्शन ऑन होगा नहीं आप कहते हो तो कि इन्द्रेक्ली आपका जो है वो एंटागोनिस्ट या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो शो होगा, राइट? Right? अब हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ़ एक्शन की रीडिंग करते हैं, आप लोग कहते हो रेजरपेन एक्ट आस संपात्वालिटिक एक्शन, ठीक है संपत्यातिक सिस्टम को तोड़ने वाला एजेंट है ये by acting as an adrenergic uptake inhibitor adrenergic यानी कि जो आपके कैटेकोलामाइनस है ना उनको अपटेक कर, करने से रोकने वाला इनहिबिटर है ठीक है यहाँ पे मैंने ये साइन बनाया था नेगेटिव का ठीक है ये इनहिबिशन का साइन है ठीक है आपका रेजरपिन यहाँ पर इनहिबिशन काज कर रहा है फिर आप okay, so कहते जाता है ऑफ अंदर आप लोग नॉन एपी नफरिन भी आता है भी आता है और दूसरे भी आ जाते हैं एक्सेट्रा एंड रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ द अपटेक ऑफ कैटिकोला मीन एक दफा वो स्टोरेज वेजिकल्स मतलब की कैटिकोला मीनस के जो स्टोरेज वेजिकल था उसके साथ जुड़ गया और नतीजतन क्या हुआ कि उनके अपटेक को उसने ब्लॉक कर दिया ब्लॉकेज कर दी ठीक है एंड दे विल बी ब्रेक डाउन बाय माओ एंजाइम ठीक है माओ एंजाइम अब वो जो आपके कैटिकोलमस थे अब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे टूट जाएंगे किसके ज़रिए माओ एंजाइम के जरिए यानी कि आपके वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है जो बाहर अब मौजूद हैं जो अंदर महफूज नहीं हो सके ठीक है अब वो टूट जाते हैं किससे ऑक्सीडेज से ठीक है ऑक्सीडेज एंजाइम से क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट आप लोग कहते तो इसका आप लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन ठीक है और हाइपर टेंशन भी कौन सा जो माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि हल्के से दरमियाने दर्जे का जो मेन uh, हाइपर टेंशन होगा उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो इसके साथ साथ ये क्या करता है इसका जो इफेक्ट होता है वो स्लोली होता है ठीक है यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड प्रेशर को कम करने कम करने की तरफ लेकर आता है क्लियर है अच्छा आज का हम लोगों का ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर एड्रिन नर्जिक ड्रग्स का अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सीएनएस को और उसकी ड्रग्स को पढ़ेंगे हम लोग आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया देन लाइक दिस वीडियो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं अल्लाह हाफिज़